औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का जो 30 मार्च 2022 को LDC का पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट में बहावलपुर के अंदर, उसमें मैं भी अपेयर हुआ था, तो उसके कम्प्लीट पेपर हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि आज के इस दौर के अंदर अभी भी काफ़ी लोगों को जो है MCQs के आंसर निकालने जो है वो नहीं आते, वो मेजॉरिटी पर्सन जो है वो सारे गूगल से ही वही सर्च करके चेक कर रहे होते हैं। और वहाँ पे आपको मैं बताता चलो, गूगल जो है वो अथेंटिक सोर्स नहीं है, उसमें काफ़ी सारी क्या हैं गलतियाँ हैं। तो गूगल के ऊपर आपने नहीं जाना, उसके अंदर काफ़ी सारी गलतियाँ, गूगल को भी हम नहीं बनाए, उसके अंदर सारा मटेरियल हम ही डालते हैं, तो गूगल में काफ़ी गलतियाँ। मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो MCQs के अंदर आई हुई थी, पूरा पेपर मेरे पास है क्योंकि मैं खुद अपेयर हुआ था। और मैं वो पेपर ये देखे, ये मैं खुद इसके ऊपर लिख के आया था, ये नहीं है कि मुझे कहीं से गैस मिला या कुछ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद वो पेपर क्या करके आया था, लिख के आया था वो सारे पेपर के। अब वहाँ पे पेपर था किस तरह का पेपर, इस टाइप का था कि ट्रू फॉल्स, यानी एक ठीक है या गलत है, सही है या गलत है, उन्होंने जवाब भी बताए हुए थे, हमने टेक करने थे कि ट्रू या फॉल्स। तो मैं आपको एक को ये बताऊंगा कि ये जो बात है सच है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद गलत है तो क्यों है, सच है तो क्यों है, उसका मुकम्मल जवाब भी बताऊँगा, क्योंकि इससे आपके सारे MCQs क्लियर हो जाएंगे। आपसे यही गुजारिश है, मेरी आवाज़ भी आपको फील हो रही होगी, मुझे खुद भी काफ़ी बुखार है, तो आपसे गुजारिश है कि मेरे लिए जो सेहत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे जल्द सेहत दे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि आपके एक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता, बस मुझे जो है उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो आइए हम चलते हैं अपने पहली वीडियो में। तो ये मैं जो है आपको बता दूं, ये मैंने सारे मैंने खुद ऊपर भी लिख दिया, MES LDC पेपर 30 मार्च 2022 कंपोज बाय डॉक्टर माहर मोहम्मद इमरान हंसला, डायरेक्टर जनरल एजुकेशन सिस्टम। ये मेरा अपना नाम है और ये कंपोज मैंने खुद किए हैं, पहले मैं अपने क्लिपबोर्ड के ऊपर नोट करके आया था और आगे आके मैंने इनको जो है कंपोज कर लिए। पहला सवाल आपका है, नमाज जो है वितर, वितर नमाज क्या है? तो वितर नमाज उसने कहा था कि वितर नमाज सुन्नत है, ट्रू है या फॉल्स है? तो ये मैं आपको बताता चलूँ, ये फॉल्स है, ये जवाब क्या है, गलत है। क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि वितर नमाज जो होती है वो वाजिब होती है, वितर नमाज क्या है, वाजिब है। एंड ये अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं कि वाक्य मिराज का जिक्र बनी इसराइल में है, क्या वाक्य मिराज का जो जिक्र है वो बनी इसराइल में है? जी हाँ, वाक्य मिराज का जिक्र बनी इसराइल के अंदर ही है, सूरत बनी इसराइल में। उसके बाद कहते हैं कि तहज्जुद का क्या मैंने, लफ्जी मैंने क्या है, लफ्जी मैंने पूछ रहा है, लफ्जी मैंने क्या है, तहज्जुद में हम क्या करते हैं लफ्ज के लिहाज से, तो तहज्जुद में रात को उठा जाता है, तो इधर भी वही है कि तहज्जुद के लफ्जी मैनी रात के वक्त उठना के हैं, तो इसका भी ट्रू आंसर आता था। लफ्जी मैनी और दूसरा लुगवी मैनी में फ़र्क होता है, ये लफ्जी और हाँ लफ्जी और लुगवी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, जबान से इकरार और दिल से तस्दीक करने को तजदीद कहते हैं, हाँ जी इसको तजदीद कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया था, जी हाँ आप सल्लम ने एक हज किया था, ये भी ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 दुरुस्त है, आप सल्लम ने एक हज किया था। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कहता है कि जिहाद इस्लाम के बुनियादी अरकान में से 5वां रुकन है, तो ये क्या है, गलत है, जिहाद जो है ये 5वां रुकन नहीं है, जिहाद आता ही नहीं है इसके अंदर। उसके बाद आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 है, ईमान मुजम्मिल क्या है, ईमान मुजम्मिल और ईमान मुफसल ये दो ईमान हैं, ये शर्तें हैं अल्लाह ताला पर ईमान लाने की, क्या हैं, दो शरायत हैं, तो ईमान मुजम्मिल ये भी अल्लाह ताला पर ईमान लाना ये दुरुस्त था। उसके बाद कहते हैं कि मैदान अरफात में जय बगैर हज नहीं होती,
तो ये भी दुरुस्त है कि अगर अरफात पे नहीं जाएंगे तो आपकी हज कंप्लीट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो कह रहा था कि इंजील सबसे पहली इस्लामी किताब है, तो ये गलत था। इस्लाम की पहली जो किताब थी, इस्लामी किताब, वो तौरात थी। उसके बाद आगे कहते हैं कुरान में हरूफ मक्तआत कितने हैं, कुरान में हरूफ मक्तआत 29 है, ये दुरुस्त लिखा हुआ था। उसके बाद 11वां सवाल था कि केटू की ऊंचाई 28,250 फुट है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, फुट में है, मीटर में अगर होती तो वो 86,11 आती। उसके बाद अगला है दरा खंजराब को दुनिया की छत भी कहा जाता है, तो ये क्या है, गलत है। इसको हम दरा खंजराब को सिल्क रोड कहते हैं, ये पाक चाइना के दरमियान है, और इसको हम दुनिया की छत नहीं कहते, वो मेरे ख्याल से तिब्बत है, शायद इस टाइप का है दरा। उसके बाद है 13 है सर अब्दुल्ला का ताल्लुक सिंध से था, ये गलत है, सर अब्दुल्ला का ताल्लुक पंजाब से था। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान के 26वीं रकबे पर पंजाब मुहित है, तो पाकिस्तान के 26वीं रकबे पर नहीं बल्कि 36वीं रकबे पर पंजाब मुहित है। उसके बाद है कोई तफ्तान आतिफिशा पहाड़ है, जी बिल्कुल, ये जो है कोई तफ्तान क्या है, आतिफिशा पहाड़ है। अब लोग कहते हैं कि तफ्तान बॉर्डर भी है, ये ईरान और पाकिस्तान के दरमियान है, तो ये कोई तफ्तान भी एक पहाड़ी सिलसिला है, ये पहाड़ है आतिफिशा पहाड़, ये भी है, रेलवे स्टेशन भी है, तफ्तान रेलवे स्टेशन भी है, तफ्तान बॉर्डर भी है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, और कोई तफ्तान पहाड़ भी है आतिफिशा। पाकिस्तान के कुल अजला कितने हैं, तो इसने 100 लिखे थे, ये गलत था, पाकिस्तान के 100 अजला नहीं है, इससे ज़्यादा। अब इसमें मुख्तलिफ हैं, शायद 150, 128 तरह डिफरेंट टाइप के, कुछ 142 कह रहे हैं, तो मैं कंप्लीट इसकी जो है मैंने इसको नोट नहीं किया, ये 100 नहीं है। उसके बाद आता है पाकिस्तान का कौमी जो फूल है वो क्या है, वो कहते हैं गुलाब है, नहीं ये गुलाब नहीं है, जासमीन जिसे हम चमेली कहते हैं, पाकिस्तान का कौमी फूल क्या है, चमेली है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कदाफी क्रिकेट स्टेडियम लाहौर है, नहीं जी कदाफी क्रिकेट स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान का बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, बल्कि कराची नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान का बड़ा है। उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला को शेर बंगाल कहते हैं, नहीं इसको हम शेर बंगाल नहीं कहते, ये गलत है, ए के फजलुल हक को शेर बंगाल कहते हैं। उसके बाद है ताजमहल आगरा में है, जी बिल्कुल, ताजमहल कहाँ पे है, आगरा के अंदर है, ताजमहल आगरा में है। फिर 21 में आए तो थाईलैंड को हम सफेद हाथियों की सरजमीन कहते हैं, जी हाँ थाईलैंड को हम वाइट एलिफेंट की सरजमीन कहते हैं, अर्थ वाइट एलिफेंट। अब है जनूबी अफ्रीका, ये बांग्लादेश कहाँ वाक़ है, बांग्लादेश जनूबी एशिया में वाक़ है, यस बांग्लादेश जो है मशरकी पाकिस्तान भी कहलाता है और ये जनूबी एशिया में वाक़ है। रूस का दारुल हुकूमत मास्को है, तो हाँ जी ये रूस का दारुल हुकूमत मास्को है, ये दुरुस्त है। उसके बाद आपका है रेड क्लफ लाइन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, तो जी बिल्कुल रेड क्लफ लाइन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, क्योंकि आप जानते हैं रेड क्लफ इवार्ड से मुतालिक, रेड क्लफ इवार्ड की नाइंसाफियों से मुतालिक आप जानते हैं, तो ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मौजूद है। उसके बाद है बुद्ध मत की बुनियाद महात्मा गौतम बुद्ध ने रखी, जी हाँ ये इन्होंने बुद्ध मत की बुनियाद रखी। अगला है 26 पे कोलंबस अमेरिका के पहले सदर से, नहीं जी चार्ल्स कोलंबस ने पाकिस्तान अमेरिका को दरियाफ्त किया था, और जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो अमेरिका के पहले सदर थे। उसके बाद आता है जी भूटान को पहाड़ियों की सरजमीन कहते हैं, नहीं जी ये गलत है, नेपाल को हम पहाड़ियों की सरजमीन कहते हैं। अगला है सार के 11 मेंबरान है, नहीं जी गलत हो गया, ये सार के 8 मेंबरान हैं। उसके बाद पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज़ है, गलत, पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम नहीं है, पाकिस्तान के अंदर क्या है, पार्लियामेंट, हमारे यहाँ वज़ीर आज़म की बात चलती है, सदर नहीं बैठता, यहाँ पर जमहूरी निज़ाम है। उसके बाद इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध है, जी हाँ इमरान इस्माइल ही गवर्नर सिंध हैं। फिर हम चलते हैं आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए, वो है जनरल IQ आया था, ये जनरल डाले कि 1 गैलन जो है इज इक्वल टू 0.9436, तो जो 1 गैलन होता है ना ये बराबर होता है, ये गलत था। इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, इसकी वैल्यू है मेरे भाई 4.5460
ना ये इसकी वैल्यू थी जो उसने गलत दी हुई थी, तो ये उसकी क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू थी। उसके बाद कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5900 इज इक्वल टू 70। जी हाँ ठीक है, ये दुरुस्त है। उसके बाद HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यस इसका यही मतलब है। 0.1% ऑफ 10 इज इक्वल टू 1, तो ये रॉन्ग था, इसका जवाब ये लिया था। उसके बाद ये है 5.321 प्लस 0.01 इज इक्वल टू 5.7371, तो ये दुरुस्त था। उसके बाद हम चले आगे, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा था 0.3 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 0.024 इज इक्वल टू 0.004, तो ये गलत है, इसका और जवाब आता है। अब इसमें था 45 किलोग्राम किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 25.5 मीटर पर सेकेंड, तो ये दुरुस्त है, इसको निकालना है। तो आप किलो की जगह पे हम किलो की वैल्यू और घंटे की जगह पे घंटे की वैल्यू पुट करते हैं। अ नंबर इंक्रीज 10% एंड डिक्रीज 10%, द नेट चेंज इन नंबर इज 10 डिक्रीज। तो वो कहता है एक नंबर है जो 10% बढ़ता है फिर 10% कम होता है, तो बताओ कि इसमें जो नेट चेंज है वो 10% कमी है, तो ये गलत था, इसमें कोई फर्क कोई चेंजिंग नहीं है। फिर CPU स्टैंड फॉर, ये आपका सवाल नंबर है 39। CPU स्टैंड फॉर कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, तो ये गलत था, इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर आगे आपका सवाल था 40, अ नेटवर्क कन्वर्ट स्मॉल ग्राफिक एरिया ऑफ बिल्डिंग इज कॉल्ड वैन, तो ये गलत था आपका, क्योंकि वैन के क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क यानी बड़े एरिया को करती है, तो इसने जहाँ पे स्मॉल किया था, तो ये गलत है। उसके बाद आपका कहता है बाइकॉट इज करेक्ट वर्ड, तो ये गलत है, बाइकॉट क्या होता है, BOYCOOT, तो इसने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे TV डबल आता है एंड में, इसके स्पेलिंग भी गलत थे। फिर आपकी बात चलती है सिमिलर बताने से, रीजन टू आर्गू, तो ये ठीक था, रीजन का सिनोनिम क्या होता है, आर्गू होता है। उसके बाद वी आर राइटिंग थीसिस ऑफ MS इज परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट, तो ये गलत था, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस था। उसके बाद कहते हैं लैंड मी यूअर पेन प्लीज, तो अगला है आपका, ये मैं आपको लिख देता हूँ, लैंड मी ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में पूछा था, सॉरी ये मैं चेंज करके आपको बता देता हूँ, तो ये पूछ रहा था कि क्या ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर ना हम क्या करते हैं, दरख्वास्त कर रहे होते हैं, तो दरख्वास्त करने को इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो ये ठीक था। उसके बाद कहते हैं अपोजिट वर्ड कम्प्लेक्स टू कॉम्प्लिकेटेड, तो ये गलत है, कम्प्लेक्स भी मुश्किल होता है तो कॉम्प्लिकेटेड भी मुश्किल होता है, ये दोनों सेम है, तो इसका जवाब गलत था। फिर आता है ऑटोबायोग्राफी उर्दू में मीनिंग बताना था खुदपरस्ती, तो ये जवाब क्या है, दुरुस्त है, इसका क्या होता है, खुदपरस्ती होता है। रोड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये भी ठीक था, रोड क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। आर्टिकल यूज इन सेंटेंस ईट अ एप्पल इन मॉर्निंग इज करेक्ट, क्या ये ठीक है, तो ये क्या है, गलत है, ईट एन एप्पल आता है। फिर मैं आपको बताता हूँ मैनी हैड मेक लाइट वर्क इज करेक्ट प्रोवर्ब, तो प्रोवर्ब क्या होता है, प्रोवर्ब में हम वर्ब की खूबी या खामी को बयान कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर भी क्या है, मैनी हैंड मेक लाइट वर्ब, तो खामी महसूस हो बयान हो रही है, तो क्या होगा, ये क्या होगा, परिवार को होगा, ये ठीक था। फिर आता है आपका 50 पे आखिरी, अ वर्ब इज द वर्ड दैट से समथिंग अबाउट फेमस बिल्डिंग पर्सन एंड कंट्री, तो वर्ब क्या होता है, एक काम होता है, उसके अंदर कोई फेमस बिल्डिंग शिल्डिंग की बात नहीं होती बल्कि काम की बात होती है, तो ये जवाब क्या था, गलत था। तो ये थे आपके 50 MCQs, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, अगर इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें।
और इंशाल्लाह आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी, और सब्सक्राइब जो है वो चैनल को लाजमी करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।